Now, let us start discussing few problems over error in measurement. अब मैंने पूरी थ्योरी करा दी, मेजरमेंट ऑफ लेंथ के भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कराए थे. अब मैं मेजरमेंट ऑफ एरर, इसके मैंने ट्रू एंड फॉल्स रिव्यू वो डिस्कस करा ही दिए थे. अब मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कराता हूं, इसी समय एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स से कराऊंगा. इलस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आप कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव्स भी सिंपल है. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराता हूं, और जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को मैं कराऊंगा, आई विल सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 24, 25, 26, 27. यह प्रॉब्लम मैं कराऊंगा. लेट्स स्टार्ट रीडिंग प्रॉब्लम नंबर 24. जरा ध्यान से एक बार पढ़ें. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग 24 प्रॉब्लम. देखिए जरा हाउ डू द प्रॉब्लम रीड्स. थ्री रजिस्टर हैव फॉलोइंग स्पेसिफाइड वैल्यूज. थ्री रजिस्टर्स आर देयर. आर वन इज 37 ओम प्लस और माइनस 5%. आर टू इज 75 ओम प्लस और माइनस 5%. आर थ्री इज 50 ओम प्लस और माइनस 5%. इस तरह से आर वन, आर टू और आर थ्री की वैल्यूज दे रखी है. डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन. टोटल रेजिस्टेंस पूछा है और दिया है सीरीज कॉम्बिनेशन, यह बात दे दी है. ऑल्सो कैलकुलेट लिमिटिंग एरर एंड द परसेंटेज एरर. अब देखिए, सबसे पहले एक बात सोचिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को कैसे लिखा जाता है. सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को सिंपली ऐड कर देते हैं. व्हेन द क्वांटिटीज आर एडिटिव, रिकॉल दैट एब्सोल्यूट एरर्स आर एडिड. एब्सोल्यूट एरर का, जब हम आर वन, आर टू, आर थ्री इनको सिंपली ऐड कर रहे हैं और ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑब्टेन कर रहे हैं, इस तरह से क्वांटिटीज ऐड होती है तो एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो जाती है. अब जरा देखिए इधर, क्या इधर हमें एब्सोल्यूट एरर दे रखा है. आर वन की वैल्यू देखिए 37 ओम प्लस और माइनस 5%. खास बात, इधर डेटा में एब्सोल्यूट एरर ना देकर उन्होंने रिलेटिव एरर दे दिया, और हम जानते हैं कि इसमें हमें एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करना है, तो यह जो आर वन लिखा हुआ है इसे हमें रीराइट करना होगा, और इसे हम इस तरीके से लिखेंगे. अब आर वन इज 37 ओम प्लस और माइनस 5%, तो 37 ओम प्लस और माइनस 5%, 37 ओम का लिख दीजिए, एंड दैट इज 3.78/2, सो 1.85 ओम. इस तरीके से मैं आर वन को एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में लिख देता हूं. इसी तरह से आर टू को, आर टू को भी मैं इसी तरह से लिखता हूं, 75 ओम प्लस और माइनस 5%, दैट इज 3.75 ओम. इसी तरह से आर थ्री को भी मैं एब्सोल्यूट एरर्स के टर्म्स में 50 ओम प्लस और माइनस 5% मीन्स 2.5. When quantities are added, absolute errors are added. जब quantities को हम add करते हैं तो absolute errors को हम add कर देते हैं. R1, R2, R3 इन तीनों को हम add कर रहे हैं तो इनकी absolute error values इनको flatly add कर दीजिए. हम इधर लिखेंगे 50 प्लस 75 125 प्लस 37 150 प्लस 12 162. सो दिस
would be equal to 162 ohm plus or minus. Absolute errors भी इधर add हो जाएंगी, 0.5, 0.50, 1, 15, 20, 5, 1.3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ohm. हम इस तरीके से टोटल रेजिस्टेंस को लिखेंगे. तो लिमिटिंग एरर कितनी हुई वहां बिल्कुल साफ दिख रही है. कैलकुलेट द लिमिटिंग एरर, इधर हम कहेंगे लिमिटिंग एरर इज प्लस और माइनस 8.1 ohm. एंड द परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर हम लिखेंगे 8.1 अपॉन 162 इंटू 100. सो दिस इज 5%. सो आई विल राइट दिस इन दिस मैनर एज वेल, 162 ओम प्लस और माइनस 5%. अब इधर से एक बात और कंक्लूड कर लीजिए, जब R1 में 37 ओम प्लस और माइनस 5% है, R2 में भी 75 ओम प्लस और माइनस 5% है, R3 में भी 50 ओम प्लस और माइनस 5% है, और हमने जब ऐड करा तो एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हुए और फाइनली जो आर आया उसमें भी 162 ओम प्लस और माइनस 5% ही रहा. पूरे सिचुएशन को ध्यान से देखिए, जो कंसेप्ट लगाया उसको समझिए, और जो फाइनली आंसर आया उससे कुछ कंक्लूजन्स भी ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, दिमाग में कुछ पिक्चर बनाने की कोशिश कीजिए. स्टार्ट रीडिंग 25th प्रॉब्लम. नाउ लेट्स गो थ्रू दिस 25th प्रॉब्लम. द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग करंट फ्लोइंग एंड द पावर डिलीवर्ड टू द सर्किट. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज मेजर्ड by in terms of power delivered and current. इस बात को सबसे पहले समझना है, equivalent resistance in terms of current and power. जैसे ही आपने यह बात पढ़ी हमें वह एक्सप्रेशन दिमाग में रिकॉल हो जाना चाहिए, पावर डिलीवर्ड इज आई स्क्वायर आर और रेजिस्टेंस इज पावर डिलीवर्ड अपॉन आई स्क्वायर और पावर इंटू आई टू द पावर माइनस 2. यह एक्सप्रेशन उसी समय दिमाग में आ जाना चाहिए. फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. मैक्स एरर इन आर, व्हेन मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ पावर, डीपी बाय पी इज प्लस और माइनस 1.5%. And measurement of current, DI upon I, is plus or minus 1%. What is maximum error in measurement of resistance? If maximum error in measurement of power is 1.5%, in measurement of current is 1%. अब देखिए इसे कैसे करेंगे. हमने सबसे पहले इस expression को recall कर लेना चाहिए. सबसे पहले पावर इज आई स्क्वायर आर. पावर, करंट और रेजिस्टेंस किस तरह से एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, और इसके द्वारा हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कंक्लूड ऐसे करेंगे, रेजिस्टेंस इज पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट अपॉन स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट और पावर इंटू आई टू पावर माइनस 2. अब इधर मैं क्या करता हूं, मुझको मैक्सिमम एरर इन डिटरमिनेशन ऑफ आर
वह बताना है व्हेन मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ पावर इज दिस एंड मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट इज दिस। मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूं, डी आर इज इक्वल टू डी इंटू पी टू दी पावर पी इंटू आई टू दी पावर माइनस टू। मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, आई टू दी पावर माइनस टू ऐसा कैसे रहा डी पी प्लस, अब पी ऐसा कैसे रहेगा, आई टू दी पावर माइनस टू को डिफरेंशिएट कर रहा हूं माइनस टू इंटू आई टू दी पावर माइनस थ्री इंटू डी आई। इस तरीके से यह एक्सप्रेशन जो मुझे दिखने लगा डी आर इज इक्वल टू आई टू दी पावर माइनस टू डी पी माइनस टू पी आई टू दी पावर माइनस थ्री डी आई। अब मैं थ्रू आउट एक्सप्रेशन को आर से डिवाइड कर देता हूं, डी आर बाय आर, डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू आई टू दी पावर माइनस टू डी पी अपॉन पी इंटू आई टू दी पावर माइनस टू माइनस टू पी आई टू दी पावर माइनस थ्री डी आई अपॉन पी इंटू आई टू दी पावर माइनस टू। देखिए जरा, यह आई टू दी पावर माइनस टू कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, इधर पी कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, इधर आई टू दी पावर माइनस टू कैंसिल हो जाएगा और इधर माइनस वन बचा रह जाएगा, और इस तरीके से फाइनली यह एक्सप्रेशन इस तरह से दिखने लगेगा, डी पी अपॉन पी माइनस टू डी आई अपॉन आई। अब फॉर मैक्स वैल्यू ऑफ डी आर बाय आर, डी आर बाय आर की जो मैक्स वैल्यू होगी उसके लिए जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, पावर मेजरमेंट में एरर पॉजिटिव साइड में हो और करंट मेजरमेंट में एरर नेगेटिव साइड में हो। इफ पावर और एरर इन पी इज इन पॉजिटिव एंड एरर इन आई इज इन नेगेटिव साइड, दिस वुड गिव अस द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ आर। सो मैक्सिमम डी आर बाय आर वुड बी इक्वल टू डी पी बाय वी पी प्लस टू टाइम्स डी आई बाय आई। अब ये जो परसेंटेज एरर है डी पी बाय पी और डी आर बाय आर ही है, इधर से हमको मैक्सिमम डी आर बाय आर मिल रहा है, डी पी बाय पी इज प्लस और माइनस 1.5%, डी आई बाय आई इज टू टाइम्स प्लस और माइनस 1%। सो दिस इज द फाइनल आंसर, आई विल से मैक्सिमम डी आर बाय आर, मैक्सिमम डी आर बाय आर इज 1.5 प्लस टू प्लस और माइनस 3.5%, दिस इज द आंसर। बड़े ध्यान से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका देखें, 25th प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करा है, स्टार्ट रीडिंग 26th प्रॉब्लम। नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग एंड सॉल्विंग दिस 26th प्रॉब्लम। द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर एक्स फ्रॉम व्हीटस्टोन ब्रिज इज ऑब्टेन्ड एस, व्हीटस्टोन ब्रिज हमने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है और लेबोरेटरी में इसे इस्तेमाल भी करा हुआ है,
और इससे हमने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन भी करी हुई है, और उस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए यह एक्सप्रेशन अप्लाई करा हुआ है, आर एक्स इज इक्वल टू आर टू आर थ्री अपॉन आर वन। हियर आर वन इज 100 प्लस और माइनस 0.5% ओम, R2 इज 1000 प्लस और माइनस 0.5% ओम, एंड R3 इज 842 प्लस और माइनस 0.5% ओम। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Rx, Rx क्या होगा, लिमिटिंग एरर इन परसेंटेज ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। लिमिटिंग एरर भी बताना है, परसेंटेज में भी, एब्सोल्यूट टर्म्स में। देखिए, इसके पहले हमने 24th प्रॉब्लम करा था, वहां पर भी R1, R2 और R3 दे रखा था और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R निकाला था, वहां पर भी R1, R2, R3 कुछ इसी तरह से दे रखा था, मगर जब वहां पर सीरीज कनेक्शन था, सीरीज कनेक्शन में R1, R2, R3 को ऐड करा, तो वहां पर एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करना था, मगर यहां पर R1, R2 और R3 को इस तरह से ऑपरेट करके, इस फॉर्मूले में अप्लाई करके अननोन रेजिस्टेंस Rx निकालना। और आप देखिए, इस जगह पर उन रेजिस्टेंस को ऐड नहीं करा जा रहा है, उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा जा रहा है। रिकॉल करें, When quantities are in multiplication or division, in this situation, relative errors are additive. मैं इस बात को लिखता हूं, When quantities are in multiplication और डिवीजन, देन रिलेटिव एरर आर एडिटिव और एडेड। इस सिचुएशन में रिलेटिव एरर को हम ऐड कर देते हैं। तो Rx की वैल्यू पहले तो मैं लिख देता हूं, Rx, which is R2, R3 upon R1, और इसमें मैं कहूंगा R2 की जगह 1000, R3 की जगह पर 842 और R1 की जगह पर 100, तो ये आ गया 8420 ओम। अब हम कहेंगे Rx में रिलेटिव एरर ऐड की जाएंगी, Rx में हम इस तरह से लिखेंगे, यह फॉर्मूला ऐसे लगाया, R2 R3 अपॉन R1 करा, प्लस और माइनस, ये परसेंटेज रिलेटिव एरर ही है, तो इनको हम प्लस 1.5% इन रिलेटिव एरर्स को हम ऐड कर देंगे। परसेंटेज एरर मींस रिलेटिव एरर। तो Rx जो फाइनली हम लिखेंगे वह इस तरह से लिखेंगे, Rx इज 8420 ओम प्लस और माइनस 1.5%। अब 1.5% हम निकाल भी सकते हैं, दिस 1.5% इज इक्वलेंट टू 8420 अपॉन 100 इंटू 1.5, सो दिस इज 126.3 it seems. So this becomes Rx would be equal to 8420 plus or minus 126.3 ohm. इस तरीके से हम Rx को लिखेंगे।
बड़े ध्यान से जो हमें कंपेयर करना चाहिए, दैट इज 24th प्रॉब्लम की सिचुएशन को और 26th प्रॉब्लम की सिचुएशन को, इन दोनों प्रॉब्लम की सिचुएशन को हमको बड़े ध्यान से देखकर कंपेयर करना चाहिए, समझना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से दोनों को डील करा गया है, आंसर किस तरह से दोनों केस में डिफर कर रहा है, किस तरह से कंसेप्ट अलग अलग लगाया गया है, इस बात को देखना चाहिए। 27th प्रॉब्लम करेंगे अब हम, 27th के बाद में 28th और 29th भी करना चाहूंगा। इनफैक्ट मैंने आखिरी के 5 और 6 प्रॉब्लम इसलिए करा दिया सो दैट इसके पहले वाले तो सारे सिंपल हैं, आप आसानी से कर सकोगे, या मैंने डिस्कस करा के फाइनली पूरे चैप्टर को कंक्लूड करा दूंगा आज। 27th प्रॉब्लम पढ़ना चालू करो। नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग दिस 27th प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को एक बार ध्यान से देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास m हैज अ डायमेंशन l b h। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया i ऑफ प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू फेस l b इज गिवन बाय दिस। रेक्टेंगुलर प्लेट, यह रेक्टेंगुलर प्लेट, इट्स लेंथ इज l एंड इट्स ब्रेथ इज d एंड इट हैव गॉट सम हाइट ऑल्सो। उस हाइट को हम ऐसे दिखा देते हैं, 3D फिगर, दिस इज द हाइट, इस तरीके से रेक्टेंगुलर प्लेट है, इट हैव गॉट सम हाइट एच, दिस इज द हाइट एच, फ्रॉम हियर टू हियर दिस हाइट एच, इट हैव गॉट सम मास एम। अ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ मास एम हैज डायमेंशन एल बी एंड एच, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, इसका यह सेंटर है, इस सेंटर के अबाउट हम इसे जब रोटेट करते हैं तो इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, परपेंडिकुलर टू पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू फेस एल बी गिवन बाय दिस, एंड दिस आई के लिए एक्सप्रेशन ने दे रखा है, हम जानते भी हैं इसको, सीख रखा है हमने, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ हाइट, इट वुड डिपेंड ऑन लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, m by 12 l square plus b square, the following measurement are made, अब यह मेजरमेंट दिए हुए हैं, मास m is 13.5 plus or minus 0.1 gram, length l is 80 plus or minus 1 millimeter, breadth is 10 plus or minus 1 millimeter and height is 2.00 plus or minus 0.01 millimeter. Find the fractional error and uncertainty in density in moment of inertia. हमें बताना है फ्रैक्शनल एरर एक तो यह बताना है और दूसरा बताना है अनसर्टेनिटी इन केस ए डेंसिटी केस बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मैं पहले केस ए सॉल्व करूंगा फिर केस बी भी सॉल्व करके दिखाऊंगा फ्रैक्शनल एरर भी बताना है और अनसर्टेनिटी भी बताना है बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम को पहले सिचुएशन को देखा जाए एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका मास है लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है उसका मतलब कुछ वॉल्यूम है वो वॉल्यूम क्या होगा वह लिख देता हूं मैं वॉल्यूम वुड बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट दैट इज द वॉल्यूम हम जानते हैं
एंड डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, दिस मास अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दिस इज द डेंसिटी एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. डेंसिटी जो कि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उन्होंने उसका फॉर्मूला नहीं दिया, वो हमें पता है. और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कई लोगों को नहीं पता होता है. यदि रोटेशनल आपने अच्छी तरह से पढ़ा है, लेक्चर ध्यान से देखा है, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी समझ पता होगा. अदरवाइज उन्होंने उसका फॉर्मूला दे दिया. अब इनके कैलकुलेशन में उन्होंने फ्रैक्शनल एरर पूछा है और अनसर्टनिटी पूछा है. तो सबसे पहले मैं केस ए डेंसिटी का लेकर समझाऊंगा. डेंसिटी में फ्रैक्शनल एरर, इन डेंसिटी कैलकुलेशन फ्रैक्शनल एरर कैसे हम निकालेंगे और अनसर्टेनिटी हम कैसे निकालेंगे. अब देखिए डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन देखिए, मास अपॉन एल बी एच, मास भी दे रखा है, एल बी एच सब कुछ दे रखा है और ये सारी क्वांटिटीज मल्टीप्लीकेशन में. हम इसके पहले एक कैलकुलेशन और करते हैं वॉल्यूम, हम तो बीच में वॉल्यूम भी निकालते हैं और वॉल्यूम के कैलकुलेशन में भी एरर डिटरमाइन करते हैं. वॉल्यूम इज एल इंटू बी इंटू एच, सो दिस वॉल्यूम वी व्हेन ऑल द क्वांटिटीज आर इन प्रोडक्ट, जब सारी क्वांटिटी प्रोडक्ट में होती है तो ध्यान रहे रिलेटिव एरर्स आर एडेड, रिलेटिव एरर एड होते हैं और डिवीजन में हो तब भी रिलेटिव एरर होते हैं. इसलिए मैं क्या करता हूं, इधर इस मास को रीराइट करूंगा रिलेटिव एरर के रूप में. रिलेटिव एरर कैसे, इस तरीके से लिखता हूं मैं, 13.5 प्लस और माइनस 0.5 अपॉन 13.5 इंटू 100 परसेंट, इस तरीके से लिख देता हूं मास को. और लेंथ को मैं इस तरह से लिख देता हूं 80 प्लस और माइनस 1/80 इंटू 100 परसेंट. ब्रेथ को लिख देता हूं 10 प्लस और माइनस 1/10 इंटू 100 परसेंट. और हाइट को लिख देता हूं 2.00 प्लस और माइनस 0.01 अपॉन 2 इंटू 100 परसेंट. नाउ व्हेन क्वांटिटीज आर इन प्रोडक्ट और डिवीजन रिलेटिव एरर्स आर एडेड, ध्यान रहे यह बात. वॉल्यूम के लिए जब हम करेंगे तो परसेंटेज एरर, वॉल्यूम कैसे लिखेंगे वो नीचे लिख रहा हूं अब मैं. वॉल्यूम डीवी अपॉन वी वुड बी इक्वल टू डीएल अपॉन एल प्लस डीबी अपॉन बी प्लस डीएच अपॉन एच. इसके लिए हम इन सब रिलेटिव एरर्स को ऐड कर देंगे 0.1 अपॉन 135 प्लस 1/80 प्लस 1/10. वॉल्यूम के लिए हम इस तरीके से करेंगे. और जब हम डेंसिटी विच इज मास अपॉन वॉल्यूम, यह भी प्रोडक्ट और डिवीजन ही हुआ, तो डेंसिटी के लिए भी हम इस तरह से लिखेंगे डी रो बाय रो. डी रो बाय रो वुड बी इक्वल टू डी एम बाय एम प्लस डी एल बाय एल प्लस डी बी बाय बी प्लस डी एच बाय एच. दिस इज
for fractional error. Fractional error in d row by row. Fractional error in row is d row by row. This is equal to dm by m plus dl by l plus dv by d plus dh by h. यह कंसेप्ट फ्रैक्शनल एरर एनालिसिस का हमने ऑलरेडी सीख रखा है. अब पहले रो का कैलकुलेशन कर दिया जाए. रो क्या है? रो नॉट की वैल्यू हम लिख देते हैं. रो नॉट इज एम नॉट अपॉन एल नॉट बी नॉट एच नॉट. एम नॉट लिख देता हूं 13.5. इधर ये मिलीमीटर्स में है, इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करके लिखना होगा. सो 8 इंटू 1 इंटू मिलीमीटर्स ऑफ 0.2, दिस ग्राम्स एंड दिस सेंटीमीटर क्यूब. यह रो नॉट लिख दिया है कैलकुलेटर से. इसी समय कैलकुलेट कर दिया जाए. आई हैव गॉट कैलकुलेटर विथ मी. 13.5 divided by 8 divided by 0.2. So this is 8.4375 gram per cc. यह तो रो नॉट आ गया. अब डी रो बाय रो हम डिटरमाइन करते हैं. डी रो बाय रो this is dm by m. dm by m is 0.1 upon 13.5. dl by l is 1 by 80 plus dv by b 1 by 10 plus dh by h 0.01 by 2.00. इसे इसी समय हम कैलकुलेट कर देते हैं. d rho by rho 1 divided by 135, this is 0.0074 plus 1 divided by 80, 0.0125 plus 0.1 plus 1 divided by 200, this is 0.05. Now this comes out to be plus 0.1 plus 0.0125 plus 0.0749, or it's 0.125, or it's nearly 12.5%. I'll say rho naught would be written as 8.43. ध्यान रहे अब सिग्निफिकेंट फिगर्स. इधर तीन फिगर हैं, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद दो डिजिट. तीन सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल के बाद हमने दो डिजिट लिखना है. तो अब इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं. 8.44 प्लस और माइनस 12.5%. This is the expression for rho. इसको भी मैं into 8.44 ऐसे लिख देता हूं. Rho naught would be 8.44 plus or minus 1.505 gram per cc. This is expression for the density and fractional error in density calculation is 12.5%. यह फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी कैलकुलेशन मैंने कराया है. अब इसी समय इसका दूसरा पार्ट विच इज अनसर्टनिटी. डेंसिटी में अनसर्टनिटी कैसे लिखेंगे वह भी बताता हूं.
वॉल्यूम में यदि हमको निकालना है फ्रैक्शनल एरर, तो हम सिर्फ इन तीन को ऐड करेंगे। वॉल्यूम में फ्रैक्शनल एरर निकालना है तो सिर्फ तीन को ऐड करते हैं, डेंसिटी है तो मास टर्म भी है, इसलिए चारों को करा है। देखिए जरा ध्यान से समझिए, इन डेंसिटी कैलकुलेशन सबसे पहले वॉल्यूम के लिए यह एक्सप्रेशन लिख दिया, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास अपॉन लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब सिंस इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑल द टर्म्स आर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन, तो रिलेटिव एरर उनको ऐड करना होगा। तो रिलेटिव एरर को ऐड करने के लिए हमने क्या करा, ये जो मास लिखे हुए थे इसमें यह एब्सोल्यूट एरर है, इसको हमने रिलेटिव टर्म्स में लिख दिया। लेंथ के साथ यह एब्सोल्यूट एरर है, इसको हमने रिलेटिव एरर लिख दिया। ब्रेथ के साथ यह एब्सोल्यूट एरर है, इसको रिलेटिव एरर। हाइट के साथ हमने रिलेटिव एरर, इस तरह से रिलेटिव चीज देखी। अब यदि वॉल्यूम होता तो वॉल्यूम में सिर्फ इन तीन को हम ऐड करते, और वॉल्यूम वी नॉट क्या लिखते, वी नॉट वुड बी एल नॉट इंटू बी नॉट इंटू एच नॉट। वॉल्यूम क्या लिख दिया जाता, एल नॉट बी नॉट इंटू एच, 160 मिलीमीटर क्यूब। और यह वी नॉट जाता, और उसमें यह रिलेटिव एरर लिख दिया जाता, 160 प्लस और माइनस व्हाट एवर इज दिस, इसको आप ऐड करके एक बार देख सकते हैं, इधर से ऐड करके दिख जाएगा 0.117 मीन्स 11.7%। तो वॉल्यूम वी के लिए मैं एक्सप्रेशन लिख दूंगा 160 प्लस और माइनस 11.7% मिलीमीटर क्यूब। आई होप सही कर रहा हूं ना मैं, देखिए जरा 0.11 और 0.11 नहीं सॉरी 11.6%। हम इस तरीके से लिखते। अब हमसे डेंसिटी के लिए पूछा है, तो डेंसिटी के लिए मास लेंथ ब्रेथ वॉल्यूम इसको इस तरह से लिखने के बाद हमने पहले यह लिखा कि रिलेटिव एरर डेंसिटी के लिए ऐसे लिखी जाएगी डी रो बाय रो इक्वल टू डी एम बाय एम प्लस डी एल बाय एल प्लस डी बी बाय डी प्लस डी एच बाय एच, क्योंकि सभी प्रोडक्ट और डिवीजन में है, इसलिए इन सभी का रिलेटिव एरर को ऐड कर दिया। रो नॉट लिख दिया, रो नॉट इज एम नॉट अपॉन एल नॉट बी नॉट एच नॉट, तो एम नॉट अपॉन एल नॉट। इधर हमने लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करा और सेंटीमीटर क्यूब में लिखा। इस तरीके से डेंसिटी एक स्टैंडर्ड यूनिट में आ गई, ग्राम पर सीसी। डेंसिटी को स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम पर सीसी में लिखने के बाद फिर डी रो बाय रो यह चीज डिटरमाइन कर ली, डी एम बाय एम प्लस डी एल बाय एल प्लस डी बी बाय डी प्लस डी एच बाय एच, इन सभी को हमने ऐड कर दिया और इस तरीके से डी रो बाय रो की वैल्यू एग्जैक्टली आ गई। नाउ दिस इज रिलेटिव एरर, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके इधर ही लिख सकते हैं 12.5%। तो फाइनली रो जो हम लिखेंगे, रो नॉट नहीं, रो वुड बी रो नॉट 8.44 प्लस और माइनस 12.5% और 8.44 प्लस और माइनस 1.05। इस तरीके से हमने फ्रैक्शनल एरर इन डेंसिटी कैलकुलेशन। अब मैं इसी समय बताऊंगा अनसर्टनटी इन द कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। फ्रैक्शनल एरर कुछ अलग है और अनसर्टनटी जो हमने बाद में बताई थी वह कुछ अलग है, वह कैसे लिखेंगे उसे भी देखिए। अनसर्टनटी लिखने के लिए हम क्या करेंगे, डी रो बाय रो होल स्क्वायर, ये जिस तरह का एक्सप्रेशन है मल्टीप्लीकेशन और डिविजन में, पहले से नोट डाउन कीजिए।